अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम देखेंगे वेडिंग इनविटेशन कार्ड या वेडिंग वीडियो कार्ड, वीडियो जो बनती है वो किस तरह से है। तो इसके लिए हमें जो है बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए, विदाउट म्यूजिक, यानी जिसके अंदर वोकल्स हो या फिर जो है सिर्फ साउंड हो। तो उसके लिए जो है सबसे पहले करना है, आपने यूट्यूब से कोई भी वीडियो ले लेनी है, आपने यहाँ से इसे ऑडियो फॉर्म में डाउनलोड कर लेना है। और ये वेबसाइट है वोकलाइज, इधर जाके जो है आपने इसे उसका ब्राउज करके इसका ड्रॉप करके कर उसको वोकल जो है या म्यूजिक जो है वो रिमूव कर लेना है। तो वो अलहदा से हमें रिमूव करके रखा हुआ है। तो इसके अलावा जो है हमें बैकग्राउंड वीडियोज़ चाहिए, ये तो आप पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं। और इसके बाद जो है एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कार्टून एलिमेंट्स या इलस्ट्रेशन वाले एलिमेंट्स। तो उसके लिए ये है कि आप पिंटरेस्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको फिर दूसरी ऐप से करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो है वो एक ऐप यूज़ करूँ जिसके अंदर सब कुछ जो है एक जगह मिल जाए, तो वो कैनवा ऐप है। तो इसमें हम ये काफ़ी ज़्यादा आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, इनको यूज़ करके इनको एडिट करके तो हम बनाएंगे। इसमें दो तरह की है कि आप साइज़ कौन सा रखना चाहेंगे। ये मोबाइल वीडियो का साइज़ है और एक जो है आपका यूट्यूब वीडियो का साइज़ होता है, ये यूट्यूब वीडियो का और एक मोबाइल वीडियो का। तो हम जो हैं वो इसमें से वीडियोस पे जाएंगे, हम पहले मोबाइल वीडियो का देख लेते हैं, उसी को हम चेंज कर लेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे इसकी बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे और टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, अगर आप उससे एडिट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ये है कि आपका टाइम भी बहुत बच जाता है और आपको अपनी मर्जी के बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं और वीडियोस बैकग्राउंड एलिमेंट्स वगैरह एक ही जगह पे मिल जाते हैं। पिंटरेस्ट का ये है कि वो वहाँ से आपको इतना सा डाटा डाउनलोड करके एक में ही उसको फिर वो सेट करना पड़ेगा, जो वो समझते हैं ईजी है तो वो वहाँ से भी वो कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लिखेंगे मुस्लिम वेडिंग वीडियो, तो इसमें से ये हैं और इनमें से कुछ चूज़ मैंने किए हुए थे। अगर हम सिर्फ मुस्लिम वेडिंग वीडियो लिखें, ना कि वो हम इस तरह से जो है वो शो करवाए, तो वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी सर्च बार में ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा है यूनिक से, ये भी अच्छा है तो उसको भी हम चूज़ कर सकते हैं कस्टमाइज यहाँ पे ये। तो इनमें से जो कौन सा भी आपको बेहतर लगे आप उनको चूज़ कर लें। इसमें से एक जो है जैसे कि ये जो है इसको चूज कर लें, ये भी काफ़ी अच्छा यूनिक सा है, इसमें से भी हम चूज कर सकते हैं। और भी आपको इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो पिक वगैरह है उसको चेंज कर लें, जैसे ये है, ये भी यूनिक लग रहा है। इनमें फिर इसको अपने हिसाब से आप एडिट कर लें। और इसके बाद जो है मोबाइल से जो है ये जो है ऑडियो नहीं यहाँ पे अपलोड होती, लेकिन लैपटॉप से हो जाती है। तो आप वो कैपकट या कोई और इनशॉट ऐप यूज करके वहाँ से म्यूजिक इसके बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, ये वीडियो यहाँ पे आपके एडिट हो जाएगी। यहाँ पे प्लस के करके यहाँ पे एलिमेंट्स में जाके अगर आपने कपल को चेंज करना हो, मुस्लिम वेडिंग कपल, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे, तो इनमें से वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम वो रिंग्स की जगह अगर आप कुछ और कपल को ऐड करना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये यहाँ से कपल मिल जाएंगे, दूसरे भी ये पाकिस्तानी लिखेगा इंडियन लिखेगा तो उस तरह से भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मुस्लिम भी लिखेंगे तो वो नकाब हिजाब वाले भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो जाएंगे, जैसे ये मैंने लगाए हुए थे। तो ये भी हैं काफ़ी सिंपल भी हैं और स्टाइलिश भी हैं, तो इनमें से कोई भी चूज़ करके आप यहाँ पे लिंक की जगह उसको सेट कर सकते हैं। अगर वीडियोस जो हैं अगर उससे ऐड करनी है तो वो वैसे ऐड करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है जाएंगे। अगर जैसे कि ये जो है ये वाली ऐड की हुई थी मैंने, ये भी टेम्पलेट से ली हुई थी ये, तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स में जाके सर्च करें यही, तो वीडियोस में जाएं, तो इसको अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे वीडियोस में अगर हम कपल या सिर्फ वेडिंग भी लिखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें मिल जाएगा। जैसे ये है बैकग्राउंड के लिए,
और ये भी है बैकग्राउंड इंगेजमेंट लुक के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली हम वेडिंग लिखें जो है ये काफ़ी ज़्यादा तो उनमें से इसको इसकी जगह जैसे है इसकी जगह आपने ऐसे ही मैंने रखा हुआ था तो आपको जो मिसेज एंड मिस्टर का भी यहाँ पे एक होगा ये तो आप वो ऐड कर लें बैकग्राउंड पे। अपनी अपनी चॉइस पे आप कर सकते हैं तो ये इजी है इतना मुश्किल नहीं है इसको यूज़ करना तो आप अपनी मनपसंद वीडियो बना सकते हैं और भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप कर सकते हैं। और ए अगर इसी को चेंज करना है तो मतलब अगर ये वीडियो है इसको अगर हमने YouTube साइज़ में करना है मोबाइल अगर ये ये YouTube वीडियो साइज़ है तो उसको हमने मोबाइल वीडियो साइज़ में करना है तो आप इसे जस्ट रिसाइज़ कर सकते हैं और इसे यहाँ से कॉपी रिसाइज़ मतलब ये है इस वाली फॉर्म में भी रहे इस वाली फॉर्म में भी और ये साइज़ करना है इसको फ़ौरन वो उस साइज़ में कर देगा आपके पास इसका वो जो YouTube वीडियो साइज़ है वो नहीं रहेगा तो इसलिए कॉपी या रिसाइज़ करें ताकि आपके पास दोनों टेम्पलेट्स मौजूद रहे तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। और जो लास्ट पे अपलोड्स में जो है आइडियोज़ जो हैं वो आप सेंड करके इसको एडजस्ट करके तो आप कर सकते हैं।